And press the bell icon to never miss a video from two IITians. In the adjoining figure, ABC is a triangle in which AB is equal to AC. मतलब ये पूरी साइड जो AB है, ये पूरी साइड AC के इक्वल है. P is a point on the side BC such that PM is perpendicular to AB and PN is perpendicular to AC. Prove that BM into NP is equal to CN into NP. ठीक है. तो यार इन दो ट्राइंगल को शायद सिमिलर हम लोग प्रूव कर पाए क्योंकि एक एंगल तो बराबर सीधा सीधा दिया हुआ है. ठीक है. तो इन ट्राइंगल्स, क्या ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं, BMP एंड ट्राइंगल BNP. ठीक है. अब देखिए बच्चों, आपको कह सकते हैं सर आपने सिखाया था कि जिस यहां क्लॉकवाइज लो तो यहां पे भी क्लॉकवाइज लो, या यहां एंटी क्लॉकवाइज लो तो यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज लो, लेकिन वो यहां पे नहीं हो रहा है. तो देखिए क्या है कि अगर M आपका 90 डिग्री है क्लॉकवाइज, अगर मैं दोनों ही ट्राइंगल ऐसे बनाता, मतलब ये सच में बाप बेटे दिखाई देते जैसे मैं बोलता हूं, तो तब तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है. और अगर ये लोग बिल्कुल बाप बेटे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उस केस में फिर हम लोग को ये देखना होगा कि M अगर बीच में है तो M यहां पे, N यहां पे भी बीच में होगा, यानी N 90 डिग्री है बीच में है, M 90 डिग्री है बीच में. एक बात ये ध्यान रखेंगे. और जो B एंगल है, अभी आगे आप देखेंगे कि एंगल B और एंगल अच्छा बी एम पी लिया है, उसी तरह सी एम पी लेना चाहिए यहां पे. ठीक है. तो उसी तरह जैसे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होता है, वो हम लोग को यहां पे रखना होगा. एक बार फिर से बोलूंगा कि यहां पे जो एंगल है वही करस्पॉन्डिंग एंगल यहां होना चाहिए, यहां पे जो एंगल है वही करस्पॉन्डिंग एंगल यहां होना चाहिए. आप इसको पीएनसी भी मत लिखिए और एनसीपी तो बिल्कुल मत लिखिए, है ना. तो ध्यान रखिए. अच्छा, अब इन ट्राइंगल्स को लेते हैं हम लोग. तो एंगल बीएमपी इज इक्वल टू एंगल सीएनपी इज इक्वल टू 90 डिग्री. एक ऐसा है, ये तो गिवन ही था. पहला पॉइंट ये हो गया. हम लोग बड़ा टॉल क्लेम कर रहे हैं, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. सिंस एंगल सिंस गिवेन ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा दिया हुआ है ना. तो बड़े ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, लेकिन यार जो एंगल ए बी सी है वही तो एंगल एम बी पी है. This implies angle MBP is equal to angle ACB की जगह हम लोग NCP लिख सकते हैं. तो ये दो एंगल भी हो गए. तो एक बात ये हो गई और दूसरी बात ये हो गई, दो एंगल बराबर हो गए, AA डैश हो गया बस. देयरफोर ट्राइंगल BMP इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एन पी. कैसे बोलेंगे, बाय वन एंड टू ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ना. अब ये बात सिमिलर तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया. अब क्योंकि सिमिलर है तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स भी रेशियो में होगी. तो अब इधर एक साइड क्या है, बीएम, जानबूझ के बीएम मैं ले रहा हूं क्योंकि प्रूव करने में बीएम लाना. तो बीएम डिवाइडेड बाई सीएन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, एमपी डिवाइडेड बाई एनपी. ये भी बोल सकते हैं एनपी कहां, यहां. फिर से देख लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है तो बीएम और सीएन ले लिया, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है
तो एमपी के साथ एनपी ले लिया। सिंस ट्राइंगल बीएमपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीएमपी, ये आराम से हम लोग रीजन दे सकते हैं। सिंस चलो यहां लिख दो, ये है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीएम इनटू एनपी इज इक्वल टू सी एन, इससे चला जाएगा मल्टीप्लाई होके एमपी। बस यानी कि बड़ा काम यहां पर यही था कि हम लोग ये प्रूव कर दें कि भाई दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव। चलो भाई काम अपना हो गया, जो भी प्रूव करना था वो प्रूव कर डाला।